और राइट बर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपने पीसी के साथ साथ सभी कंसोल पर प्ले कर पाओगे एक्सेप्ट टू मोबाइल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो गेम नंबर 10 पर आते हैं उसका नाम है पबजी पीसी। आपने पबजी का नाम सुना ना हो तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पबजी तो भाई इंडियन के रग रग में बसता है। तो बात करते हैं भाई इस गेम के गेम प्ले की। तो आपको भाई इस गेम का गेम प्ले पता ही होगा, तो मुझे इस गेम के गेम प्ले के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। और इस गेम के ग्राफिक्स भी आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएंगे। ये गेम अब पीसी पर कंप्लीटली फ्री हो चुका है और PS4 और PS5 पर भी ये गेम कंप्लीटली फ्री हो चुका है। तो भाई इस गेम में हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं जो हमें इस गेम को खेलने की थोड़ी और एक्साइटमेंट को बढ़ा देते हैं। अगर आप पहले पबजी से बोर हो चुके थे और आपने पबजी खेलना छोड़ दिया था तो भाई अब इस गेम को ट्राई करना, ये गेम कम्प्लीटली अब इम्प्रूव हो चुका है। इस वीडियो में जो नंबर 9 पर आता है उसका नाम है COD Warzone। COD Warzone भी पबजी की तरह पॉपुलर एक बैटल रॉयल गेम है। तो भाई बात करें इस गेम में गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले आपको पबजी से सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा। इस गेम में भी आपको 100 बंदों के बीच सर्वाइव करना होता है। इस गेम का गेम प्ले आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल जाएगा। इस गेम में ज्यादातर फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं इस गेम के ग्राफिक्स की, तो भाई इस गेम के ग्राफिक्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएंगे। ये गेम आपको टोटली फर्स्ट पर्सन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप पबजी खेलकर बोर हो चुके और आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक गेम ट्राई करना चाहते हो तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन को ट्राई कर सकते हो। ये गेम आपकी पहली चॉइस बन सकता है। इस वीडियो में जो नंबर 8 पर आता है उसका नाम है वैलोरेंट। वैलोरेंट अभी ही 2020 में ही रिलीज हुआ था। तो बात करें भाई इस गेम के गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले आपको काउंटर स्ट्राइक से बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस गेम के ग्राफिक्स की, तो भाई इस गेम के ग्राफिक्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाते हैं। इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है अगर आपके पास लो एंड पीसी है तब भी आप इस गेम को पूरी तरह एंजॉय कर पाओगे। इस गेम में भी आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड देखने को मिलेंगे और इस गेम में भी आपको सीजन पास टाइमली देखने को मिलेंगे जो कि इस गेम को खेलने की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इस गेम में आपको डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिनके पास आपको यूनिक लेवल की एबिलिटी और स्किल्स देखने को मिलते हैं जिनको आप टाइम टू टाइम यूज कर एनिमीज की किल बड़ी आसानी से ले सकते हो। इस वीडियो में जो गेम नंबर 7 पर आता है उसका नाम है एपेक्स लेजेंड। एपेक्स लेजेंड भी आपको बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं भाई इस गेम के गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। इस गेम में आपको बहुत ही ज्यादा लेजेंड्स देखने को मिल जाते हैं। इन लेजेंड्स को आप अपने प्ले स्टाइल अनुसार चूज कर सकते हो और इस गेम में हर लेजेंड की अपनी एक यूनिक एबिलिटीज और स्किल्स होती हैं। और आपको इस गेम में टाइम टू टाइम अपग्रेड आने पर आपको और ज्यादा लेजेंड इस गेम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पबजी और वॉरजोन से बोर हो चुके हो, अगर आप थोड़ा यूनिक टाइप का बैटल रॉयल गेम ट्राई करना चाहते हो तो एपेक्स लेजेंड को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ये गेम आपकी पहली चॉइस बन सकता है। इस वीडियो में जो नंबर 6 पर आता है उसका नाम है फॉल गाइस। फॉल गाइस गेम भी आपको बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। इस गेम के गेम प्ले में आपको फन के साथ साथ चैलेंज भी देखने को मिलता है। अगर आप शूटिंग और किलिंग्स वाले बैटल रॉयल से बोर हो चुके हो, अगर आप थोड़ा फन टाइप का बैटल रॉयल गेम एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप फॉल गाइस को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ये गेम आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इस गेम के ट्रैक पर हमें डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टिकल देखने को मिल जाएंगे जिनको पार कर हमें आगे बढ़ना होता है और हमें जीतने पर क्राउन मिलता है जिसको पाकर हमें अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन फील होती है। इस वीडियो में जो नंबर 5 पर आता है उसका नाम है बैटलफील्ड 2042। ये गेम भी बहुत ही अच्छा कमाल का बैटल रॉयल गेम है। तो बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले भी आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का देखने को मिल जाएगा। मगर इस गेम से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ये गेम खरा नहीं उतरा। ये गेम मेरे हिसाब से इसलिए फेल हुआ क्योंकि जहां बैटल रॉयल गेम्स हमें फ्री देखने को मिलते हैं वहां ये गेम हमें 4000 का देखने को मिल रहा। मगर ये गेम भी अगर फ्री हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि ये गेम भी गेमर्स के दिलों में अपनी जगह बना लेगा क्योंकि इस गेम का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी अभी इस गेम को ट्राई मत करना। ये गेम 1 या 2 मंथ में फ्री हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इस गेम को बहुत ही ज्यादा हेट देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से डेवलपर इसको फ्री कर ही देंगे। अगर ये गेम फ्री हो जाता है तो ये गेम भी बहुत ही अच्छा और कमाल का बैटल रॉयल गेम बन सकता है। इस वीडियो में जो नंबर 4 पर आता है उसका नाम है रॉकेट लीग। रॉकेट लीग भी एक बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम है। तो बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले की, तो इस गेम का गेम प्ले आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाएगा। ये इस गेम में भी आपको फन के साथ साथ चैलेंज देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आपको डिफरेंट टाइप की कार्स देखने को मिलेंगी। इस गेम का कंसेप्ट आपको इस प्रकार देखने को मिल जाता है जैसे हम रियल लाइफ में फुटबॉल अपनी लातों से खेलते हैं, उसी प्रकार हमें इस गेम में भी फुटबॉल खेलनी होती है। मगर हमें इस गेम में फुटबॉल गाड़ियों की मदद से खेलनी होती है। जो टीम इस गेम में ज्यादा गोल करती है वो जीत जाती है। और इस गेम में हमें डिफरेंट टाइप के और भी मोड देखने को मिल जाते हैं जिनको प्ले कर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अगर आप थोड़ा फन टाइप का बैटल रॉयल गेम ट्राई करना चाहते हो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। ये गेम आपकी पहली चॉइस बन जाएगा। इस वीडियो में जो नंबर
3 पर आता है उसका नाम है रॉक कंपनी। रॉक कंपनी एक थर्ड पर्सन गेम है। आपको पता है कि इंडियन को थर्ड पर्सन गेम कितने ज्यादा पसंद आते हैं। तो बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले की। तो भाई इस गेम के गेम प्ले में कोई डिफरेंट टाइप के मोड्स देखने को मिल जाएंगे। ये गेम आपको CS:GO से सिमिलर देखने को मिलेगा। इस गेम को अगर आप प्ले करते हो तो भाई बिल्कुल भी इस गेम से बोर नहीं होने वाले, क्योंकि इस गेम में आपको डिफरेंट टाइप की वेपन्स की वैरायटी देखने को मिल जाती है और इस गेम का कंबैट सिस्टम आपको और गेमों से अलग देखने को मिल जाता है। तो मैंने तो इस गेम को पर्सनली एक बार प्ले किया था, मुझे तो इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आया था। आप भी इस गेम को एक बार जरूर प्ले करना, आपको भी इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो में जो नंबर 2 पर आता है उसका नाम है एज ऑफ एम्पायर। एज ऑफ एम्पायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम है, मगर ये गेम आपको बैटल रॉयल गेम नहीं देखने को मिलेगा। मगर इस गेम का गेम प्ले आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़े क्लैश ऑफ क्लैन टाइप के गेम ज्यादा पसंद है तो भाई इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना। ये गेम एक स्ट्रेटजी गेम है, आप इस गेम से बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। मैं तो कहता हूँ कि आप इस गेम के एडिक्टिव हो जाओगे, क्योंकि इस गेम में आप अपना साम्राज्य बना सकते हो। इस गेम में आप दूसरों की टेरिटरी पर जाके हमला कर सकते हो, उनके रिसोर्सेस को लूट कर अपना विस्तार और भी ज्यादा कर सकते हो। इस गेम में आपको इतने ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको इस गेम में बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। अगर मैं इन गेम के फीचर्स के बारे में आपको बताने लगूं तो भाई शायद एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस टॉपिक पर बन जाए। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर। इस वीडियो में जो गेम नंबर 1 पर आता है उसका नाम है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम है, जिसको मैंने टाइम टू टाइम बहुत ही ज्यादा प्ले किया है और ये गेम मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैटल रॉयल गेम भी रहा है। तो बात करते हैं इस गेम के गेम प्ले की। तो इस गेम का गेम प्ले आपको थोड़ा फन और थोड़ा चैलेंज टाइप का देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आप बहुत ही कुछ कर सकते हो, जैसे आप आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाकर एनिमी से बच सकते हो और उन पर शूटिंग भी कर सकते हो। इस गेम में टाइम टू टाइम अपग्रेड आते रहते हैं, तो उस वजह से इस गेम में और भी चीजें ऐड होती रहती है जो हमारे फन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। भाई एक टाइम था जब मैं इस गेम को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और इस गेम को मैं दिन में 5-5 घंटे भी खेलता था। तो इस गेम में भी आपको पबजी वाला सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जैसे इस गेम में भी आपको सीजन पास देखने को मिलते हैं और इस गेम में भी आपको डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर की स्किन्स भी देखने को मिलती हैं। अगर आप इस गेम को प्ले करना चाहते हो तो भाई इस गेम को आप जरूर प्ले कर सकते हो, ये गेम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आप इस गेम को प्ले करते हो तो भाई इस गेम का गेम प्ले आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, मगर आपको उतना मजा भी आएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे जाता है, और उस बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।